हमारे इंडिया में हम बोलते हैं आमतौर पर विश करने के लिए जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। अगर फॉरेनर यहाँ पे आए तो किस तरीके से बोलेंगे? दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप मोहल्ले में वो जा रहे हैं, अपनी गली में जा रहे हैं, तो एक डॉगी आपके ऊपर किस तरह से अटैक करेगा? आपने देखा होगा कि बुलडॉग कुत्ता जंजीर में बंधा हुआ है, अपने वो मालिक को बुला रहा है कि मुझे भूख लगी है, तो किस तरह से कहेगा? एक डॉगी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाना है एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, किस तरह से बुलाएगा वो? उसकी गर्लफ्रेंड का रिप्लाई आता है, डार्लिंग डार्लिंग मैं कहीं और नहीं हूं, आपके आसपास ही हूं। अब एक डॉगी दूसरे डॉगी को किस तरह से अटैक करेगा? जो दोनों में आपस में एक डरने वाला, एक हैवी होने वाला। दोस्तों, आपने वो सुना होगा एंटरटेनमेंट फिल्म में 3000 करोड़ का मालिक होता है एक डॉगी, तो जंगल के सभी एनिमल्स उसके लिए काम को मांगने आते हैं। सबसे वो पहले आएंगे अपने हॉर्स, घोड़ा, तो किस तरह से बोलेगा वो? जब वो चने वगैरह वो खा रहा है तो किस तरह से करेगा? तो साथ में डोंकी भी आता है, बोलता है सर मुझे भी काम पे रख लीजिए, वजन उठाने में मैं भी काम आऊंगा। तो साथ में गाय भैंस भी आती हैं, तो पहले वो भैंस कहती है सर हम भी काम करेंगे, आपको दूध वगैरह पिलाने में, पनीर निकालने में बहुत काम आएंगे। साथ में गाय भी होती हैं, तो दो कौवे भी आते हैं, एक बोलता मैं वो शहर से आया हूँ कि अच्छे से आपको गाइडेंस दूंगा, किसी को नज़र लगने से बचाऊंगा। दूसरा कहता है कि मैं किसी का आने का संदेश दूंगा। शहरी की सुनो, जो पहाड़ी होता है वो, दोस्तों आपने फिल्म वो देखी होगी मुगले आजम, आज के टाइम में अगर अकबर को पता चलता है।